सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी वसंत उसका पाठ तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, हिमालय की बेटियां, माँ सरस्वती को प्रणाम करके हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रातः कर दर्शनम, हिमालय की बेटियां। कल भी मैंने आपको बताया था, आगे वाला मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, और अपने ही महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे पौधों से भरी घाटियाँ, वधूर अत्यधिकाएँ और सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार चीड़ सरो चिनार सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है, मिल जाता ही होगा, कौन जाने। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट चोटियों के लिए कितना सिर घुमाता होगा, बड़ी बड़ी चोटियों, और जाकर चोटियों से पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के ही सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे ही नाम हैं जिनके सुनते ही रावी सतलज व्यास चनाब झेलम काबुल कुंभा कपिंशा गंगा यमुना और सरयू गंडक कोसी आदि हिमालय की चोटी बड़ी सभी वेदियाँ आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के ही पिछले हुए दिल को ही एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा। इनके ही ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, बूढ़े हिमालय को बनकर कैसे खेला। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को पढ़िए और इस पाठ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।